हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसका कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपने कॉमन फैक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे चैनल रंजन सर ट्रिपल एस एस 88 पे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका दो दो मेथड है, मैं दोनों मेथड ही बताऊंगा फ्रेंड्स, बस केवल ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मेथड क्या है इसका, तो फर्स्ट मेथड देखिए, कॉमन दो तीन पीरियड में लेते हैं। कॉमन कितने पीरियड में लेते हैं, तीन पीरियड में। फर्स्ट पीरियड क्या कहती है, या तो दोनों में मैच करे, दोनों में मैच करे। दोनों में मैच करे का मतलब क्या होता फ्रेंड्स, तो दोनों में मैच करने का मतलब देखिए क्या होता, मान लीजिए 2x है और एक 4x है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो x, तो दोनों में मैच करेगा तो कॉमन लेते हैं। या तो दूसरा पीरियड क्या कहता है, कॉमन ऐसे नंबर को लेना है जो इन दोनों में दो का कर रहे हैं, तो दोनों में तीन का कर रहे हैं, तो तीनों में छोटा होना चाहिए। तो छोटा देखिए इसमें 2 है, तो इस पीरियड में 2 ले लेंगे, लेकिन छोटा लेते समय ये आपका ध्यान रहे किसके टेबल में ये बड़ा नंबर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तभी छोटा नंबर कॉमन होगा, अगर वैसा भी नहीं होता है तो थर्ड पीरियड क्या कहती है, थर्ड पीरियड में दोनों नंबर को देखना है और नंबर में ये देखना होगा कोई ऐसा टेबल है क्या जिसमें दोनों आता है, तो आप बोल बैठेंगे। जैसा कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहता है 6x + 8, तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला पीरियड क्या कहता है, दोनों में मैच करे, तो दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ना तो लेटर मैच कर रहा है और ना तो इसमें नंबर मैच कर रहा है, तो ऐसे पीरियड में आप नहीं ले सकते फ्रेंड्स कॉमन। तो क्या करना है, दूसरा सिस्टम क्या कहता है, छोटे नंबर को कॉमन लीजिए, छोटे नंबर को कॉमन लीजिए। जैसा कि दूसरा सिस्टम है, छोटे नंबर को कॉमन लीजिए, छोटे नंबर को कॉमन लीजिए, लेकिन छोटा नंबर को कॉमन कैसे ले, छोटे नंबर में कॉमन लेते समय ध्यान रखना है कि छोटा नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है कि नहीं, तो देखिए 6 के टेबल में 8 नहीं आता, तो इस पीरियड में आप छोटे नंबर कॉमन ना लें। अब करना क्या है फ्रेंड्स, थर्ड जो है वो थर्ड हमारा कहता है कोई ऐसा टेबल एनी टेबल जिसमें दोनों आ जाए, जिसमें दोनों तीनों जितना टर्म रहे दोनों आ जाए, ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो देखिए कॉमन तीन पीरियड में लेते हैं, दोनों में मैच करे, जैसा कि देख लीजिए मैच करेगा तो कॉमन लेंगे, या तो छोटा नंबर को कॉमन लेना है, लेकिन छोटा नंबर कॉमन लेते समय ध्यान देना होगा कि हमें छोटे जो नंबर ले रहे हैं उसके टेबल में बड़ा नंबर आता है कि नहीं, अगर आता है तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तीसरा जो फॉर्म है, कोई ऐसा टेबल जिसमें दोनों नंबर आता है, तो देखिए दो तो रिजेक्ट हो गया, तीसरा जो है दोनों नंबर एक टेबल में आता है, तो कौन सा टेबल है, तो 2 का, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और इससे इसमें क्या होता फ्रेंड्स, डिवाइड 2 3 = 6, एक्स तो एक्स प्लस 2 4 = 8, इस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ गया इसका मतलब इस प्रकार से। तो ऐसा है, तीनों में से कोई ना कोई आपका प्रोसेस काम कर जाएगा, ये गारंटी है फ्रेंड्स। तो देखिए फर्स्ट इसको सॉल्व करते समय क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सिस्टम पे चलते हैं, दोनों में मैच करें, तो इसमें नंबर 7 है, इसमें नंबर भी नहीं मैच कर रहा है, तो नंबर दोनों में से कोई भी मैच करेगा, या तो नंबर मैच करेगा या तो लेटर मैच करेगा, तो नंबर भी मैच नहीं कर रहा है और ना तो लेटर मैच कर रहा है, यानी ये रिजेक्ट हो गया, इस सिस्टम को हम नहीं लगाएंगे। दूसरा सिस्टम, छोटे नंबर को कॉमन लीजिए, छोटा नंबर 7 है, तो 7 को कॉमन लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा 7 के टेबल में 42 आता है या नहीं आता है, तो हाँ 7 का टेबल में 42 आता है, इसलिए 7 कॉमन ले लेंगे, अगर आता है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो 7 कॉमन लिया फ्रेंड्स,
आप देखिए एक्स पे एक्स नहीं मिलता है, नहीं लेना है। कॉमन का मतलब ब्रैकेट के बाहर। आप देखिए इससे इसमें क्या होता फ्रेंड्स, डिवाइड। सेवन से सेवन कितने टाइम, वन टाइम। वन नहीं लिखना है, केवल जो बचा वो लिख दीजिए एक्स। माइनस है तो माइनस दीजिएगा, प्लस है तो प्लस दीजिएगा। सेवन से 42 में डिवाइड दीजिए, कितना आएगा, सिक्स टाइम डिवाइड देना है फ्रेंड्स। इस नंबर से दोनों में डिवाइड देना है बारी बारी से सिक्स। अब आगे करना नहीं है, हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अच्छा, दूसरा इसका प्रोसेस क्या कहता है, दूसरा प्रोसेस से मैं बता रहा हूं। दूसरा या दूसरे सिस्टम से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो देखिए सेवन का फैक्टर करेंगे तो सेवन इंटू एक्स ही रहेगा, माइनस तो माइनस, 42 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई इस प्रकार से देख लीजिए 42 का फैक्टर, तो 2 से 21 और 3 से 7 और 7 से 1, तो देख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 7 और एक्स वाई कुछ नहीं है, नहीं देना है। अब देखिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में मैच कर रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन और कोई मैच कर रहा है तो नहीं, तो अब इसमें बच्चा क्या, 7 तो ले चुके हैं, बच्चा क्या एक्स माइनस, इसमें क्या बचा फ्रेंड्स, तो देखेंगे आप कि 2 भी बचा है और 3 भी बचा है, तो 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 6। यहाँ एक्स नहीं है, नहीं देंगे, ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार से भी करेंगे तो ये भी राइट है, इस प्रकार से करेंगे तो ये भी राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट सिस्टम क्या कहता है, दोनों में मैच होना चाहिए, तो दोनों में मैच नहीं हो रहा है, कोई लेटर नहीं, ना तो नंबर मैच हो रहा है ना तो लेटर, तो सिस्टम से हम लोग कॉमन नहीं ले सकते। दूसरा सिस्टम छोटा नंबर लेना है लेकिन छोटे नंबर में बड़ा टेबल आना चाहिए, तो छोटा इन दोनों में क्या है सिक्स, सिक्स का टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए हम सिक्स कॉमन ले लेंगे। सिक्स कॉमन लिए, अब लेटर देखना, लेटर भी मैच होता है तो लेटर भी लेना है। अगर लेटर में पावर कम बेसी है तो छोटा पावर कॉमन लेते हैं, तो बच्चा क्या फ्रेंड्स, इसमें बच्चा पी और माइनस सिक्स से इसमें डिवाइड देना है, तो कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम, यहाँ क्यू है तो क्यू, ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। या दूसरा मेथड से आप बनाना चाहेंगे तो सिक्स का फैक्टर कीजिए 2 × 3 × p, जैसा है लिख दिया, माइनस तो माइनस, 12 का कीजिए तो 2, 2 और 3 और उसके बाद इंटू क्यू कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए दोनों में क्या मैच हो रहा है, 2 मैच हो रहा है तो 2 लिख लिया, इंटू दोनों में 3 मैच हो रहा है तो 3 लिख लिया, उसके बाद क्या बचा, p इसमें है इसमें q है, अब नहीं मिल रहा है तो इसको बाहर कर लिए, जो मिला उसको बाहर कर लिया। अब बचा क्या इसमें फ्रेंड्स, तो p, क्योंकि 2 ले लिया है 3 ले लिया है, वापस इसको लिखना नहीं है। माइनस 2 ले चुके हैं 3 ले चुके हैं, एक बच्चा 2 और दूसरा बच्चा q। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों का गुणा कर लीजिए, जिसका पेयर बनेगा उसको ब्रैकेट के बाहर, कॉमन का मतलब बाहर, तो 6 × p − 2q आ गया ना फ्रेंड्स, वही आंसर। इस प्रकार से दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसका है थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है तो देखिएगा ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है अपना, थर्ड क्वेश्चन इसका आपका 7a² + 14a, और इसका फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रकार से है आपका −16z − 16z + 20z³, इस प्रकार से है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर आपका ए फोर नंबर जो है, ए फिफ्थ नंबर आपका दिया है 20l²m, उसके बाद है +30al·m, इस प्रकार से है। तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, और एक इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, ए इस प्रकार से है आपको 5x²y, उसके बाद है आपका 5x²y − 15xy². तो क्या करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल ही इजी है, तो क्या करना है सॉल्व।
अब देखिए इन दोनों में मिलता क्या है, तो मिला ए ए। पहले नंबर देखना होगा फ्रेंड्स, नंबर मैच करता है क्या, तो नहीं। तो नंबर यदि मैच नहीं किया तो छोटा नंबर, तो छोटा नंबर क्या है, सेवन। अब सेवन का टेबल में ए आता है कि नहीं, अगर आता है तभी लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो सेवन का टेबल में 14 आता है तो सेवन कॉमन ले लिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पावर 3 2 है और यहाँ 1 है। अब किसको कॉमन ले, तो पावर कम वाले को कॉमन लेना है। कम पावर वाला कौन है, ए। पावर 1 लिखाता नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए फ्रेंड्स, 7 तो 7 ले चुके हैं, 7 लिखना नहीं, ए तो ए ले चुके हैं। अब देखिए पावर इस पे 2 है और इस पे कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर को घटा लीजिए, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। 1 ना लिखा के क्या लिखाएगा, ए। अब देखिए प्लस तो प्लस, 7 से 14 में डिवाइड कीजिए 2 टाइम, और ए दोनों का मैच कर रहा है, पावर भी मैच कर रहा है, ए देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, या तो सेकंड मेथड जो आप यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं सेकंड मेथड में। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, थर्ड का फोर्थ वन मैं बता रहा हूँ, थर्ड का ए थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7a² + 14a, इसको क्या करेंगे, दोनों का फैक्टर करेंगे, तो 7 का फैक्टर तो 7 ही रह जाएगा, a इंटू ए, प्लस तो प्लस दीजिए 27 इंटू ए। अब देखिए दोनों में मैच क्या करता है फ्रेंड्स, तो 7 7, तो 7 ले लीजिए, और क्या मैच करता है, ए ए, तो ए ले लीजिए। अब दूसरा ए है लेकिन अब ए नहीं है, एक बार में एक ही लेटर लिखना है, ऐसा नहीं कि उसी को वापस कहेंगे कि ए फिर मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो क्या करना है फ्रेंड्स, बचा क्या, ए, और प्लस यहाँ क्या बचा, तो 2। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आपको जो सा भी मेथड अच्छा लगे उससे ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं हम दूसरी मेथड से, आपको इजी पड़ेगा। तो देखिए माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, 14 का फैक्टर कीजिए 16 का, 2 2 2 2 हो गया 16, और प्लस 20 का कीजिए तो 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 5 = 20, जेड कितने टाइम, 3 टाइम, 1 2 and 3। अब करना क्या है फ्रेंड्स, जो दोनों में मैच करता हो, तो दोनों में क्या मैच कर रहा है हमारा, तो 2 कितने टाइम मैच कर रहा है, 1 2 टाइम, तो 2 दो टाइम लिख लेंगे, माइनस के साथ में लिखना है फ्रेंड्स, ध्यान रहे साइन साथ में, −2 × 2 दो टाइम, ए मैच किया, जो मैच किया 1 ही टाइम लिखना है, ए भी मैच किया तो 1 टाइम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे अब 2 बचा नहीं है, नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है, 2 2, अब इधर 2 बचा नहीं है, यहाँ जेड है तो यहाँ भी एक जेड है, वो जेड क्या है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई जेड कर लेंगे, क्या कर लेंगे जेड, इसको देखिए लिख लेते हैं एक बार, −2 उसके बाद 2 उसके बाद 2 और 2 मल्टीप्लाई आपका जेड है। तो देखिए 2 2 दो टाइम मिला, लिख लिया, जेड कितने टाइम मिल रहा है, 1 टाइम एक जेड मिल रहा है, तो जेड लिख लिया। अब क्या करना है, ब्रैकेट बच्चा क्या अंदर में देख लीजिए, शुरू से देखना होगा, फिर वापस देखिए 2 को 2 लिख दिए, इसको लेना नहीं है, बच्चा क्या 1 2 और 1 2 2 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 = 4, और उसके बाद क्या बच्चा इसमें जेड तो ले चुके हैं, प्लस तो प्लस। अब देखिए लेकिन कैलकुलेशन आपको करना होगा, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो क्या होता फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखना होगा ए 2 2 तो ले चुके हैं, नहीं लिखना है, बच्चा क्या फ्रेंड्स 5, और यहाँ क्या बचा z² यानी डबल जेड बच गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो माइनस 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 ही रह जाएगा, और क्या बचा है इसमें 2 2 = 4, जेड तो जेड जैसा है मल्टीप्लाई कर लिए, और 4 माइनस आपका हो जाएगा 5z² हमारा आंसर फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 20 का फैक्टर कर लीजिए, तो 20 का फैक्टर ऐसे करना है 2 × 2 × 10 × 2 × 5 × 5 × 1 यानी बोला जाए 2 × 2 × 5, एल कितने टाइम 2 टाइम 1 2 टाइम, एम कितने टाइम 1 टाइम, इस प्रकार से फ्रेंड्स। अब 30 को कर लीजिए, तो प्लस 2 2 से 15 आ जाएगा 3 टाइम, और 5 टाइम 2 3 = 6 6 5 = 30,
a into l into m, इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक 2 लिख लेंगे। यहाँ 2 है लेकिन अब 2 इसमें नहीं है, नहीं लिखना है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, जो दोनों में रहेगा वही लिखना है। उसके बाद देखिए एल कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 एल है, तो एल ले लिया। दूसरा एल है इसमें लेकिन इसमें नहीं है। एम देखिए फ्रेंड्स, इसमें और इसमें भी है, तो एम इस प्रकार से कर लेंगे। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई इसको कॉमन में रख लिया, जो मिला वो कॉमन में। अब इसमें बचा क्या है, तो 2 बचा, तो 2 लिख लिए, और एल कितना बचा, 1, और 1 एम तो नहीं बचा है, एल बचा है, एम नहीं बचा है। अब देखिए प्लस से तो प्लस दीजिए, माइनस से तो माइनस, यहाँ क्या बचा, 3, और क्या बचा, ए एम, 3 ए और एम बचा है, लिख लिए। अब गुना कर लीजिए बाहर वाले नंबर का, 2 5 10 एल एम इंटू 2L प्लस 3AM, हमारा फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका ये सामने आपका बोर्ड स्क्रीन पे। तो क्या करना है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्व। अब देखिए 5 का फैक्टर कीजिए तो 5 ही रहेगा, 1 लिखे या ना लिखे। इंटू एक्स कितने टाइम, 2 टाइम, वाई कितने टाइम, 1 टाइम, माइनस तो माइनस, 15 का कीजिए तो 3 × 5 इंटू एक्स, तो एक्स ही रहेगा, 1 टाइम है, और वाई कितने टाइम है, 2 टाइम लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों में क्या मैच हो रहा है, तो 5 मैच हो रहा है, 5 लिख लेंगे, और क्या मैच हो रहा है, एक्स एक्स, तो एक्स लिख लेंगे 1 टाइम, फिर वापस एक्स है इसमें, अब एक्स इसमें बचा नहीं है, द्वारा इसे नहीं लेना है। उसके बाद देखिए वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, लिख लेंगे। अब देखिए कुछ मैच नहीं होने वाला है। अब जो बचा, शुरू से देखना है फ्रेंड्स, लास्ट से नहीं, शुरू से। अब इसमें क्या बचा, तो एक्स बचा और दूसरा एक वाई बच गया है, नहीं वाई तो ले लिए है, माइनस तो माइनस, इसमें क्या बचा, 3, और क्या बचा, वाई 1 टाइम बच गया है, तो लिख लिए। अब देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5xy हो गया इंटू एक्स माइनस 3y, हमारा फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या है फ्रेंड्स, इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ही आसान सी मेथड से सॉल्व करके देंगे फ्रेंड्स, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। तो 7 नंबर क्वेश्चन ऐसा है आपका, 10a² माइनस 15b², उसके बाद है प्लस 20c², इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, देखिए स्पेस नहीं है, इसे रब कर लेता हूं और आसानी से इसे सॉल्व करने के लिए स्पेस लेते हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, सॉल्व लिख देना है, 10 का फैक्टर कीजिए, देखिए फैक्टर रफ में, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 2 × 5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, a कितने टाइम, 2 टाइम a इंटू ए, उसके बाद माइनस तो माइनस, 15 कैसे आएगा, 3 × 5, b कितने टाइम फ्रेंड्स, 2 टाइम, और प्लस 20 कैसे आया, 2 × 2 × 5, और c कितने टाइम, 2 टाइम। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, तो देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और इसमें मैच नहीं है, तो ऐसे में कैसे कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स। कॉमन लेने का मतलब कि मैच होना चाहिए, तो मैच तीनों में नहीं है, नहीं लेना है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, तीनों में मैच कर गया। अगर 4 टर्म का करेंगे तो 4ों में मैच होना चाहिए, तो तीनों में 5 मैच किया तो 5 ले लेंगे, और कुछ मैच किया, अब इसमें नंबर बचा नहीं, नहीं लेना है। देखिए इसमें a है लेकिन इसमें a नहीं है, इसमें a है नहीं है, तो यानी केवल 5 मैच हुआ। अब देखिए क्या करना है, शुरू से डिवाइड करना होता है। डिवाइड कैसे करना है, देखिए 5 तो ले चुके हैं, 5 को लिखना नहीं है, बचा क्या, 2, और क्या बचा, a a, तो a स्क्वायर हो गया, 1 पावर 1 पावर 2 पावर। उसके बाद माइनस, इसमें क्या बचा फ्रेंड्स, तो 3 b² b² और प्लस इसमें क्या बचा, 2 2 जा 4, और उसके बाद आपका क्या बचा,
सी स्क्वायर इस प्रकार से बच गया। तो फ्रेंड्स आपका ये फाइनली आंसर आ गया, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल इजीसी मेथड से। अगर आपको लॉन्ग पड़ता है तो पहले वाला शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और 8 को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजीसी मेथड से करेंगे फ्रेंड्स, बस बने रहिए वीडियो में। माइनस 4a स्क्वायर उसके बाद है प्लस 4ab उसके बाद है आपका माइनस 4ca, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सॉल्व करना है बस वही रूल्स अपनाना है। तो देखिए सब में 4 है तो बिल्कुल 4 ही कॉमन ले लीजिए, फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं। अलग अलग नंबर है तो फैक्टर करेंगे तो आसान पड़ेगा, अगर नंबर सेम कर रहा है फैक्टर करेंगे तो वापस वही आना होगा। तो क्या करना है, हमें माइनस 4 कॉमन ले लेना है क्योंकि देखिए हमें इन तीनों में क्या मिल रहा है, माइनस आगे का साइन लिया जाता है माइनस, उसके बाद देखिए ए हमें कितना मैच हो रहा है, तो ए देखिए इसमें ए हमारा क्या है तीनों में, यहाँ क्या है 2 पावर, यहाँ 1 पावर और यहाँ भी 1 पावर। तो हमें कौन सा ये लेना है जिसका पावर छोटा है, पावर छोटा कौन है, 1 वाला या 2 वाला, तो 1 वाला ले लिया। अब देखिए क्या करना है, इस प्रकार से अब देखना होगा, 4 तो ले चुके हैं, 4 को लिखना नहीं है, ए भी ले चुके हैं लेकिन ए में देखिए पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, कितना कम रहा इससे, तो 1 कम रहा, 1 के लिए ए लिखते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स माइनस प्लस साइन कैलकुलेशन माइनस, 4 तो लिख चुके हैं ए भी लिख चुके हैं, ए 1 है, अब क्या बचा इसमें बी, माइनस तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, देखिए 4 ले चुके हैं 4 नहीं लिखना है, ए भी ले चुके हैं ए नहीं लिखना है, बच्चा क्या आपका सी, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका 9 नंबर क्वेश्चन दिया है हमें, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड उसके बाद आपका है एक्स वाई जेड स्क्वायर, इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं बस बने रहिए सॉल्व। देखिए यहाँ एक्स कितने हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं तो इससे लॉन्ग मेथड भी है, तो चलिए लॉन्ग में चल के दिखाता हूँ। एक्स कितने टाइम 2 टाइम, वाई कितने टाइम 1 टाइम, जेड कितने टाइम 1 टाइम, प्लस एक्स कितने टाइम 1 टाइम, वाई देखिए 2 टाइम वाई इंटू वाई, उसके बाद जेड कितने टाइम, कुछ पावर नहीं होता तो 1 होता, प्लस एक्स कितने टाइम 1 टाइम, वाई कितने टाइम 1 टाइम और जेड कितने टाइम 2 टाइम। अब देखिए क्या करना है, सभी में क्या मैच हो रहा है, इसमें एक्स कितना है 1, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है तो 1 ले लिया। अब देखिए इसमें एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं बचा है, छोड़ दीजिए इसे, तीनों में जो मैच करेगा वही लेना है। वाई इसमें है, इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है, तो 1 वाई ले लिया, मल्टीप्लाई में ले लीजिए, तो मल्टीप्लाई में वाई ले लिया। अब क्या बचा, इसमें जेड है और इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है, तो 1 जेड भी ले लिया। अब देखिए अब कुछ मैच होने वाला नहीं है, अब बचा क्या फ्रेंड्स इसमें, तो देख लीजिए क्या बचा आपका, एक्स बचा प्लस, तो प्लस इसमें क्या बचा आपका ओनली 4y, और उसके बाद प्लस इसमें क्या बचा ओनली जेड, ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान सी मेथड से आंसर आ गया। अगर आप चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे फ्रेंड्स, डायरेक्ट कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। देखिए ये तीनों में एक्स एक्स मैच हो रहा है लेकिन हमें कौन सा लेना है छोटा पावर, ये देखिए एक्स के पावर 2 है और एक्स के पावर 1 है, ये भी 1 है, तो किसे लेना है, 1 पावर वाला या 2 पावर वाला। तो हमने तो अभी बताया छोटा पावर लेना है यानी एक्स के पावर 1 लेना है, 1 लिखा नहीं जाता। उसके बाद देखिए वाई वाले को, वाई अरे भी वाई अरे भी वाई, कितना पावर है, देखिए वाई पे पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, किसे लेना है फ्रेंड्स छोटे पावर वाला यानी वाई ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जेड देखिए जेड जेड, ए पावर 2 है ए पावर 1 है ए भी 1 है, तो
तो वन वाला को लेना है, छोटा वाला को। अब देखिए कुछ मिलने वाला नहीं है। अब शुरू से डिवाइड चालू कर दीजिए। डिवाइड सीखना है, करना क्या है फ्रेंड्स, बस पावर घटाना बढ़ाना तो करना है। देखिए x कितना है यहाँ पे, दो, और यहाँ पे कितना है एक। कितना कम रहा फ्रेंड्स, तो वन। वन के लिए केवल ए लेटर दे देना, जो सा लेटर कम रहा है। उसके बाद देखिए yz, जितना इस पे पावर है उतना इस पे है, कुछ नहीं करना है। प्लस यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, x x मैच कर लिया, वन पावर, इसे कुछ नहीं करना है। y देखिए यहाँ वन है और यहाँ टू है, यानी वन कम रहा, z तो मैच कर गया। उसके बाद देखिए प्लस से, तो प्लस x x मैच कर गया, y y मैच कर गया, लेकिन z का पावर देख लीजिए, वन और यहाँ टू, यानी वन कम रहा। तो हम इस प्रकार से आंसर ला सकते हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9 क्या है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया फ्रेंड्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर वाई और प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद है प्लस सी एक्स वाई जेड, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो क्या करना है मुझे सॉल्व। देखिए ए ऐसे लिख देंगे वन टाइम, एक्स कितने टाइम, दो टाइम, वाई कितने टाइम फ्रेंड्स, तो वन टाइम, इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए प्लस, तो प्लस बी वन टाइम, एक्स कितने टाइम, वन टाइम, वाई कितने टाइम, टू टाइम। उसके बाद देखिए प्लस सी वन टाइम, एक्स वन टाइम, वाई वन टाइम, जेड वन टाइम, लिख लिया फ्रेंड्स। अब करना क्या है, जो सभी में मैच करें। तो देखिए इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, एक बार लिख लेंगे। जो सभी में मिलेगा एक ही बार लिखना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि तीनों में मिला तो तीन बार लिखो तो मतलब क्या निकला। उसके बाद देखिए यहाँ एक्स है, अब इसमें एक्स बचा नहीं है, छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें वाई है, इसमें भी वाई और इसमें भी वाई, तो वन टाइम लिख लेंगे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई में। उसके बाद देखिए इसमें जेड है, जेड नहीं है फ्रेंड्स, इसमें भी जेड नहीं है, इसमें भी जेड है, लेकिन ऐसा में नहीं है तो नहीं लिखना है। अब बचा क्या फ्रेंड्स, तो देख लीजिए आप अपने आंखों से, एक्स वाई तो लिख चुके हैं, इसको रिजेक्ट कर लीजिए। बचा क्या, ए बचा और एक्स बचा, लिख लिया। उसके बाद प्लस इसमें क्या बचा, बी और वाई, यानी बी वाई। उसके बाद इसमें क्या बचा, तो सी जेड प्लस सी जेड, इस प्रकार से आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स वाई ही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान सी मेथड से बताया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।